दोस्तों, द न्यूज वीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मैं चरणजीत सिंह चन्नी, ईश्वर दी सौत दहां। पंजाब में कांग्रेस की ओर से चरण सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर BSP अध्यक्ष मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक तरफ तो चन्नी को बधाई दी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और BJP पर करारा वार भी किया। मायावती ने कहा, बेहतर होता कि चरण सिंह चन्नी को पहले ही 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया होता, लेकिन अभी उन्हें सिर्फ कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनाना सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथकंडा है। मायावती ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे मीडिया के जरिए आज खबर मिली है कि भले ही चन्नी को CM बना दिया गया हो, लेकिन पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव को गैर दलित के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी। इससे ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस का दलितों पर अभी तक पूरा भरोसा नहीं जमा है। मायावती ने पंजाब के दलितों को आगाह करते हुए कहा कि कांग्रेस के दोहरे चाल चरित्र और चेहरे से दलित समाज को खास सावधान रहना है। मायावती ने इस दौरान कांग्रेस पर तीखा वार किया। मायावती ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि एक दलित को CM बनाने से पता चलता है कि कांग्रेस पंजाब में BSP और अकाली दल के गठबंधन से बहुत ज्यादा घबराई हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि पंजाब के दलित समाज के लोग इनके इस बहकावे में कतई नहीं आने वाले। मायावती ने कहा कि सच्चाई यही है कि इन पार्टियों को मुसीबत में या फिर मुश्किल में ही दलित याद आते हैं। मायावती ने यह भी कहा कि कांग्रेस के बस में होता तो डॉक्टर अंबेडकर को कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं किया जाता। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर कहा कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे तो उस समय अगर नेहरू एंड कंपनी के पास बाबा साहब से ज्यादा काबिल कोई व्यक्ति होता तो वो कभी भी उन्हें संविधान बनाने के काम में शामिल नहीं करते, और आज जो SC ST और OBC को कानूनी अधिकार मिले हैं शायद वो कभी नहीं मिल पाते। मायावती ने यह भी कहा कि अगर बाबा साहब संविधान सभा में नहीं होते तो शायद हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं बन पाता, और आज जो अल्पसंख्यक समुदाय को थोड़ा बहुत सुरक्षित महसूस होता है वो नहीं हो पाता। मायावती ने इस दौरान BJP पर भी करारा वार किया। उन्होंने कहा कि UP चुनाव के चंद महीने पहले ही BJP का OBC प्रेम जागा है, लेकिन ये सिर्फ हवा हवाई है, क्योंकि अगर वास्तव में इन्हें OBC की पड़ी होती तो UP और केंद्र में SC ST और OBC का बैकलॉग भरा जा चुका होता और सारी भर्तियां हो चुकी होती, और OBC की जातिवार जनगणना की मांग को भी अब तक स्वीकार कर लिया गया होता। यानी मायावती ने कांग्रेस के साथ साथ BJP को भी लपेट लिया। मायावती ने आगे कहा कि दलित समाज ना कांग्रेस के बहकावे में आएगा और ना ही BJP या अन्य किसी पार्टी के। दलित समाज जानता है कि उन्हें जो कुछ भी मिला है वो बाबा साहब के कारण मिला है, इसलिए कांग्रेस जैसी पार्टियां जो थोड़ा बहुत दलितों को हिस्सा देती हैं वो चुनाव जीतने के लिए है। कांग्रेस BJP दलित विरोधी है और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को CM पद से हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री बनाया है। माना जा रहा है कि पंजाब में बसपा और अकाली दल के गठबंधन ने कांग्रेस को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और साथ ही हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें।